सो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं लाइव दिखाना चाहता हूं। जैसे कि काफ़ी लोग मुझे बैड कमेंट करते हैं कि आप मेरे जैसे एक न्यू क्रिएटर से तो आप ऐसा वीडियो नहीं बनाना चाहिए। सो यहां पर दोस्तों आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि ये मेरा पुराना चैनल है, आप देख सकते हो। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप सब कुछ देख लीजिए, यहाँ पर मेरा अर्निंग कितना है, यहाँ पर मतलब 28 डेज़ में कितना व्यूज़ आ रहा है, वॉच टाइम कितना है, यहाँ पर आप सारा कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर देख के मतलब सब्सक्राइबर्स 28 डेज़ में कितना सब्सक्राइबर्स आ रहा है। सो दोस्तों, अगर आप एक न्यू यूट्यूब क्रिएटर से और आपने अभी तक आपके चैनल जो है मोनेटाइजेशन नहीं किया है, तो दोस्तों आपको जानना ये बहुत ज़रूरी है, यानी कि 101% ये आपको जानना जरूरी है कि दोस्तों देखिए, एक एक नए चैनल पर एक एक वीडियो अपलोड करने के बाद वीडियो पर व्यूज़ नहीं आता है, 7 से 8 व्यूज़ आता है। तो दोस्तों ऐसे में जो न्यू क्रिएटर्स के जो मतलब होश जो है उड़ जाता है और डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि YT स्टूडियो चलाने की जो सही तरीका होता है, ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों चैनल की जो जितना गाइड है YouTube की, YT जो स्टूडियो है स्टूडियो में YouTube ने डायरेक्टली आपको बताते हैं। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं ये दिखाने वाला हूँ कि आखिर YT स्टूडियो जो है सही तरीके से आप कैसे समझ सकते हो और सही तरीके से आप कैसे चला सकते हो। अगर आप YouTube YT स्टूडियो जो है आप सही तरीके से मतलब चलाना जान लेते हो, तो दोस्तों आपकी जो चैनल है आपके चैनल ग्रो करने में काफ़ी आपको मदद करता है। सो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड के माध्यम से आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड ओपन करता हूँ और यहाँ पर आप फॉलो कीजिए। तो जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड जो है मैंने ओपन कर रहा हूँ, एक सेकंड के लिए आपको वेट करना है। सो दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड जो है बिल्कुल ऑन हो चुका है और आप फॉलो करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो मैंने यूट्यूब ओपन किया है। यूट्यूब ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यूट्यूब ओपन कर दिया है। सिंपली लोगों पर क्लिक करता हूँ, YT स्टूडियो जो है ओपन कर लेता हूँ। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हो कि मेरा जो पुराना चैनल है, यहाँ पर आप सारा कुछ लाइव देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे बैड कमेंट करते हैं कि आप मेरी तरह एक न्यू क्रिएटर से तो आपको मतलब ये यूट्यूब पर ऐसा टॉपिक बनाना नहीं चाहिए। तो इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पर लाइव करके आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों YT स्टूडियो जैसे आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हो, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए YT स्टूडियो तो अपडेट हुआ है, आपको पता है। तो यहाँ पर दोस्तों व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स 28 डेज़ के अंदर कितना मिला है, यहाँ पर आप देख सकते हो। वॉच टाइम और एंड एस्टिमेट रेवेन्यू यहाँ आप देख सकते हो। नीचे दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए कंटेंट पर क्लिक करके आपके चैनल पर जो भी वीडियो आपने अपलोड कर रखा है यहाँ लिस्ट पर आप देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एनालिटिक्स, तो एनालिटिक्स पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप एनालिटिक्स पर क्लिक करेंगे, इसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह इंटरफेस आपके सामने डिस्प्ले होता है। सो दोस्तों एक एक पॉइंट के ऊपर मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। जैसे दोस्तों आपने एनालिटिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपको दोस्तों मैं मतलब बिल्कुल अच्छे से आपको समझा देता हूँ कि आखिर एनालिटिक्स के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है और कैसे आप समझ सकते हैं कि आपके वीडियो पर आखिर व्यूज़ क्यों नहीं आ रहा है। तो इसलिए व्यूज़ नहीं आ रहा है, कारण जो है, रीज़न जो है, यहाँ पर YouTube ने डायरेक्टली आपको बताते हैं। और अगर आप ये समझने के लिए कोशिश नहीं करते हो, इसलिए आपके वीडियो पर व्यूज़ नहीं आते होंगे। सो यहाँ पर देखिए मैंने एनालिटिक्स पर जैसे मैंने क्लिक किया है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए मेरा जो पुराना चैनल है मैंने ओपन किया है। यूअर हार्ड वर्क हैज़ पेड ऑफ, पब्लिशिंग मोर वीडियोज़ हेल्प यूअर चैनल गेट 141% मोर व्यूज़ देन यूजुअल। अब डायरेक्टली यहाँ पर आप देख सकते हो व्यूज़ जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 डेज़ में कितना व्यूज़ आ रहा है, जैसे कि 2.1 लाख व्यूज़ आ रहा है। सो इसके बाद नीचे आना है, तो नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए टॉप कंटेंट, यानी कि आपके चैनल पर जो भी टॉप पर जो भी वीडियो रैंक कर रहा है, यहाँ पर 5 वीडियो शो होता है। तो यहाँ पर आप पता कर सकते हो कि आपके चैनल पर कौन सा वीडियो सबसे टॉप पर चल रहा है, तो यहाँ पर 5 वीडियो सजेस्ट करता है YouTube ने। इसके बाद दोस्तों और स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रियल टाइम व्यूज़ कितना है, जैसे कि यहाँ पर आप पता कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर और भी आप देख सकते हैं, जैसे कि मतलब वीडियो जो है 5 वीडियो यहाँ पर शो हो रहा है। तो आप बात करते हैं ऊपर की तरफ आप नज़र रखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो कंटेंट, और लास्ट में देखिए कंटेंट की नेक्स्ट ऑडियंस, कंटेंट पर आप क्लिक करोगे तो आपकी जो भी वीडियो है वीडियो की लिस्ट आप देख सकते हो। तो चलिए ऑडियंस पर क्लिक करते हैं। दोस्तों आपकी जो एक सेकेंड की जो टाइम है बहुत कीमती है, मुझे भी पता है, फिर भी काफ़ी लोग मुझे मतलब बैड कमेंट करते हैं। मैं भी एक दिन बहुत परेशानी हुआ है, बहुत तकलीफ़, बहुत मेहनत करके मैंने ये चैनल खड़ा किया है, और आज मेरा मन में वही मतलब सोच आया है कि देखिए YouTube पर काफ़ी सारी ऐसे यूट्यूबर हैं और
काफ़ी सारी फेक वीडियो अपलोड करते हैं, जैसे कि एक दिन में 1000 सब्सक्राइबर्स आप कंप्लीट कर सकते हैं, 4 दिन में 4000 पब्लिक वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं, इसी तरह वीडियो अपलोड किया जाता है। सो दोस्तों, मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये जो वीडियो है इसी टॉपिक के रिलेटेड वीडियो आपको बिल्कुल वॉच नहीं करना है। सब्सक्राइबर, जेन्युइन सब्सक्राइबर आपके चैनल पर आपको एक्टिव करना होता है, और जो भी वॉच टाइम है आपको जेन्युइन तरीके से एक्टिव करना है। अगर आप गलत तरीके से किसी वेबसाइट से बाय करते हो, तो जब आपके चैनल मोनेटाइजेशन के लिए रेडी होता है, जब आप रिव्यू के लिए बेचते हो, तो आपकी जो मोनेटाइजेशन है रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये एक चीज़ आपका माइंड में रखते हुए आपके चैनल पर आपको काम करना है। ये मैंने बिल्कुल मतलब क्लियर आपको बता दिया है, किसी ऐप के थ्रू आपको आपके चैनल पर सब्सक्राइबर्स इंक्रीज नहीं करना है। सो यहाँ पर देखिए, ऑडियंस पर जैसे मैंने क्लिक किया है, तो नीचे यहाँ पर देखिए रिटर्निंग व्यूज़ और यहाँ पर न्यू व्यूअर्स। तो दोस्तों, ये आपको काफ़ी मतलब समझने की बात है, जैसे कि रिटर्निंग व्यूज़ क्या होता है और न्यू व्यूअर्स क्या होता है। जैसे कि दोस्तों, मान लीजिए आपके चैनल पर जो भी सब्सक्राइबर्स है, अगर सब्सक्राइबर्स ने बार बार आपकी वीडियो देखता है, यानी कि आज जो वीडियो आपने अपलोड किया है वही वीडियो आज देखा है, फिर नेक्स्ट वीडियो जो भी आपने अपलोड किया है वही सब्सक्राइबर्स आपकी वीडियो फिर से वॉच करता है, इनको कहा जाता है रिटर्निंग व्यूज़। और जो मतलब जो बंदा आपके चैनल पर बिल्कुल नया विजिट किया है और फर्स्ट टाइम वीडियो मतलब देखा है, इन जो ऑडियंस है इन लोगों को कहा जाता है न्यू व्यूअर्स। तो ये आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपको पता करना है कि आखिर आपके जो सब्सक्राइबर्स है कितना परसेंट आपकी वीडियो वॉच कर रहा है और कितना न्यू व्यूअर्स आपके चैनल पर विजिट कर रहा है, ये पता करने के लिए यूट्यूब ने यहाँ पर यह गाइडलाइन दिया है। सो यहाँ पर दोस्तों, आप स्वाइप करने की ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर आप स्वाइप कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं यूनिक व्यूअर्स कितना है, यानी कि आपके चैनल पर यूनिक व्यूअर्स कितना है और फेक व्यूअर्स, दो चीज़ में एक चीज़ यहाँ पर यूनिक शो होता है। इसके बाद दोस्तों और भी स्वाइप करना है, यहाँ आप देख सकते हो सब्सक्राइबर्स कितना है। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर 28 मतलब डेज़ के अंदर मेरा जो चैनल है, पुराना जो चैनल है, 28 डेज़ में कितना सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ हो रहा है, 1500 सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ हो रहा है। इसके बाद दोस्तों और एक बार क्या करना है कि स्वाइप करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर टोटल मेंबर्स आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर मेंबर्स अभी तक एक भी मेंबर्स नहीं जुड़ा हुआ है। सो नीचे आना है, ये मेन पॉइंट है एक न्यू क्रिएटर्स के लिए। आप मतलब ज़रा अच्छे से समझने के लिए कोशिश कीजिए भाई, मेरा कुछ नहीं है, अगर आप मेरी वीडियो को वॉच करते हो, अच्छी तरह से देखते हो, तो आप भी एक दिन इसी तरह आप वीडियो लोगों को समझा सकते हो। सो यहाँ पर नीचे देखिए, व्हेन योर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब, यानी कि यूट्यूब आपके चैनल यूट्यूब पर आपकी जो भी वीडियो आप अपलोड करते हो, किस टाइम पर ऑडियंस आके आपकी वीडियो वॉच करता है, यहाँ पर आपको टाइम पता करना है। काफ़ी लोग ये गलतियाँ करते हैं, जैसे कि न्यू क्रिएटर्स के लिए वीडियो कब अपलोड करने की सही समय होता है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि 5:59 जो है मतलब शाम 6 बजे मेरा जो चैनल है ज़्यादा व्यूज़ मतलब नहीं मिलता है देखने को। यहाँ पर देखिए मतलब 11:59 इस टाइम थोड़ा बहुत व्यूज़ आता है, और यहाँ पर 17:59 जो है ज़्यादा व्यूज़ आता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता करना है कि किस टाइम पर ज़्यादा व्यूज़ आ रहा है, उसी टाइम आपके चैनल पर वीडियो अपलोड करना है। इसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर एज आप देख सकते हैं कि किन किन एज के लोग ज़्यादा आपके वीडियो वॉच कर रहा है। जैसे कि मेरी जो चैनल है, यहाँ पर 18 से लेकर 24 ईयर्स की जो है 32% वीडियो मेरा वॉच कर रहा है। सबसे ज़्यादा है 25 से लेकर 34 ईयर्स की जो ऑडियंस है, सबसे ज़्यादा वॉच कर रहा है मेरी वीडियो। इसके बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर और भी मेन इम्पोर्टेंट है, जैसे कि दोस्तों आपको मैंने मतलब बिल्कुल क्लियर कास्ट की तरह क्लियर आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हो अदर वीडियो डेट योर ऑडियंस वॉच, यानी कि दोस्तों अदर वीडियो आपकी जो ऑडियंस है दूसरा किन किन चैनल पर जाके मतलब वीडियो देख रहा है, यहाँ से आप पता कर सकते हैं। सो यहाँ पर दोस्तों आपके रिलेटेड जो भी चैनल है, यहाँ पर चैनल की जो वीडियो है, वीडियो यहाँ पर शो करता है। तो दोस्तों अगर आपको पता करना है कि आपकी जो ऑडियंस है किन किन चैनल पर जाके विजिट कर रहा है, यहाँ दोस्तों वीडियो की लिस्ट है, एक एक वीडियो के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो वही जो चैनल है आप पता कर सकते हैं कि उस चैनल की जो वीडियो है मेरी ऑडियंस वॉच कर रहा है, या आप पता कर सकते हैं और उनके चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है उसी के रिलेटेड आपके चैनल पर अगर आप वीडियो अपलोड करोगी तो आपके चैनल आपकी जो ऑडियंस है आपकी वीडियो पसंद करता है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर देखिए चैनल, यानी कि डायरेक्ट यूट्यूब ने चैनल शो हो रहा है कि किन किन चैनल पर आपकी जो ऑडियंस है
मतलब विजिट कर रहा है, यहाँ पर वीडियो दिया है कि किन किन वीडियो आपकी जो ऑडियंस से वॉच कर रहा है अदर चैनल की वीडियो, और नीचे यहाँ पर अदर जो भी चैनल है आपके रिलेटेड यहाँ पर चैनल शो होता है, तो यहाँ पर आप पता कर सकते हैं। और इन चैनलों पर जो भी वीडियो जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड किया जा रहा है उसी के टॉपिक के ऊपर अगर आपके चैनल पर आप वीडियो अपलोड करोगी तो डेफिनेटली व्यूज़ आपकी वीडियो जो है पसंद करता है। ये यूट्यूब ने सब कुछ यहाँ पर खुलकर बताया है। यहाँ पर देखिए लास्ट एक ऑप्शन है रेवेन्यू, तो रेवेन्यू अगर आपके चैनल मोनेटाइजेशन नहीं है तो रेवेन्यू ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। सो नीचे यहाँ पर देखिए लास्ट जो है कमेंट, तो इस ऑप्शन पर नीचे देखिए कमेंट, इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके चैनल पर जो भी कमेंट आया है आप रीड कर सकते हो, देख सकते हो। लास्ट में एक ऑप्शन है देखिए मोनेटाइजेशन, इस ऑप्शन पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर मोनेटाइजेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए यू आर ए यूट्यूब पार्टनर, यानी कि मेरा तो ऑलरेडी मोनेटाइजेशन हो चुका है इसलिए पार्टनर कहा जा रहा है। अगर आपने अभी तक मोनेटाइजेशन नहीं किया है तो नीचे यहाँ पर दो लाइन देखने को मिलता है कि एक वॉच टाइम की होता है और एक सब्सक्राइबर्स की होता है, तो ये दोनों में आप पता कर सकते हैं कि आपकी वॉच टाइम कितना कंप्लीट हुआ है और आपकी जो सब्सक्राइबर्स है कितना कंप्लीट आपने कर पाया है। तो दोस्तों इसी तरह आपको ये समझने की बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है तो एक लाइक करना है, इस चैनल में नया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। सो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही है।